खाना हम सभी को पसंद होता है। साउथ इंडियन खाने की जान होता है उसका सांभर। साउथ इंडियन स्टाइल में ही आज हम बनाकर तैयार करेंगे सांभर, जो बहुत बढ़िया बनता है। इन ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल में सांभर जिस तरह से बनता है वैसा ही सांभर आज हम अपने यहाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए चलकर बनाते हैं हमारा साउथ इंडियन स्टाइल सांभर। यहाँ पर सांभर बनाने के लिए हम लेंगे तुअर की दाल। ये मैंने ली है लगभग एक कटोरी तुअर की दाल, और इस तुअर की दाल को मैंने तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसे मैंने एक घंटे पहले भिगा कर रख दिया था। तो इस दाल को हमें उबालना है अच्छी तरह से। साउथ इंडियन सांभर बनाने के लिए हम जिन सब्जियों का यूज़ करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है गंवार की फली, लगभग 7 से 8 गंवार की फलियाँ हैं। यहाँ पर मैंने ली है 5 से 6 टिंडोरी। एक टमाटर का यूज़ करेंगे, एक लिया है बैंगन, थोड़ी ली है मैंने पापड़ी जो वालोर आती है वही, और एक ली है ड्रम स्टिक, ये जो सहजन की फली आती है, और एक लिया है मैंने आलू। और सहजन की फली को छोड़कर सभी सब्जियों को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। इसमें आप अपने मनपसंद की और भी कुछ सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैं अपने पसंद से इन्हीं सब्जियों का चयन करती हूं अपने सांभर को बनाने के लिए। यहाँ पर सभी सब्जियों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें से हम टमाटर को बाद में पीसेंगे तो अलग निकाल लेते हैं। साथ ही जो ड्रम स्टिक है इन्हें हम अलग से उबालने के लिए रख देंगे। बाकी की हमारी सारी जो सब्जियां हैं इन्हें हमें दाल के साथ उबालना है, लेकिन इन्हें हमें दाल में नहीं डालना है। यहाँ पर हम दाल को जब उबालने के लिए रखेंगे प्रेशर कुकर में, तो इस दाल के ऊपर एक ढक्कन हम रखते ही हैं, तो इस ढक्कन के ऊपर हमें इन सब्जियों को रख देना है, और ऐसा ही रख के प्रेशर कुकर में 4 सीटी लगाकर अच्छे से दाल को उबाल लेना है। इसमें हमारा दाल भी उबल जाएगी और हमारी सब्जियाँ भी कुक हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ ये देखिए अच्छी तरह से उबल गई है दाल के साथ ही। ये है दाल जो बहुत अच्छे से उबल गई है। इस तरह से बढ़िया सी दाल हमारी घुट जाए इतना हमें इसे उबाल लेना होता है। यहाँ पर जो हमने टमाटर लिया था उसे मैंने अच्छे से पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है। साथ ही जो सहजन की फलियाँ हैं इन्हें भी मैंने उबाल लिया है, अच्छे से थोड़ा कुक कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो दाल है इसे मैंने अच्छे से घोंट लिया है, और ये देखिए पानी डालकर एकदम पतला कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर चाहिए। इस दाल में हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जो सहजन की फली हमने उबाल कर रखी है उन्हें। यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे रख देते हैं उबलने के लिए। यहाँ पर सांभर को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 2 छोटी चम्मच तेल। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच मेथी दाने। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और थोड़ी सी हींग। यहाँ पर जैसे ही हमारी राई चटक जाती है हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसे पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर गोल्डन करना है, गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। जब हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं तो हमारे सांभर में बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारे प्याज यहाँ पर गोल्डन हो गए हैं। यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 7 से 8 कड़ी पत्ता है, इन्हें ऐड कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 2 सूखी हुई मिर्चें, इन्हें मैंने तोड़ लिया है। यहाँ पर कड़ी पत्ते और खड़ी मिर्च को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर कड़ी पत्ते और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज का कलर भी हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है। यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट जिसे हमने पीस के रखा है। इस तरह से जब हम सांभर बनाते हैं तो हमारे सांभर का कलर बहुत बढ़िया आता है और सांभर में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमारे टमाटर कुक हो रही हैं, इनमें ऐड कर देंगे हम कुछ सूखे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच ली है लाल मिर्च का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक का यूज़ करेंगे, क्योंकि सांभर में हमने पहले भी नमक ऐड कर दिया है, इसलिए जितना टमाटर में लगेगा उतना ही नमक हम इसमें ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हमारे टमाटर में। यहाँ पर हमारे टमाटर कुक हो गए हैं, इसमें ऐड करेंगे सांभर मसाला। ये है 2 चम्मच सांभर मसाला। ये मेरा होममेड सांभर मसाला है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सांभर मसाले को टमाटर में मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हमारी उबली हुई सभी सब्जियाँ। सब्जियों को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, इससे इनमें बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। सब्जियाँ यहाँ पर हमारी अच्छे से मसाले में भून गई है और बढ़िया सा टेस्ट सब्जियों में भी चढ़ गया है मसाले का। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी उबलती हुई दाल। यहाँ पर हमारे इस सांभर को बहुत अच्छी तरह से हमें उबालना होता है, तो जैसे जैसे सांभर हमारा उबलता है वैसे वैसे इसमें टेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर इस सांभर को हमें बहुत अच्छे से उबालना है।
यहाँ पर उबल रहा है, इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये है 2 चम्मच के जितना इमली का पल्प, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। ये है देसी गुड़, लगभग 2 चम्मच के जितना गुड़ है। अच्छी तरह से गुड़ और इमली को इस सांभर में मिक्स करेंगे और इनके साथ ही हम इस सांभर को अच्छे से उबालेंगे, तो इसमें बढ़िया सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है गुड़ और इमली का, जो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जिस तरह की खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू इस समय हमारे किचन में आ रही है। बहुत बढ़िया सा हमारा एकदम साउथ इंडियन स्टाइल सांभर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सांभर बना है। तो यहाँ पर हमारा सांभर बनकर तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो ये लीजिए, इस तरह से बढ़िया सा साउथ इंडियन स्टाइल में हमारा सांभर बनकर तैयार है। इस सांभर के साथ आप इडली, मेंदू वड़ा, डोसा सभी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी किसी भी साउथ इंडियन डिश को 4 चांद लगा देगा। तो इस तरह का बढ़िया सा साउथ इंडियन स्टाइल सांभर आप भी अपने यहाँ एक बार सर्व से ट्राई करें। आज मैंने पूरी डिटेल रेसिपी शेयर की है आप सभी के साथ, इस तरह के बढ़िया से साउथ इंडियन सांभर की। बहुत बढ़िया हमारा साउथ इंडियन सांभर बनकर तैयार हुआ है। तो बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।